गाइस वेलकम टू माय गांव। आज मैं एक नया ब्लॉग लेके, ये मेरा फर्स्ट टाइम का ब्लॉग होगा, तो टू हो गया, फर्स्ट टाइम का ब्लॉग होगा। और आ गए मैं अपने 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 गांव में, तो लेट्स स्टार्ट इट। आपको भी मिलवाऊंगी अपने गांव से, चलो। और पता है मैं क्यों आई हूँ? मैं ऐसे वैसे नहीं आई, मैं अपने भैया के जने हुए मैं आई हूँ, लेट्स स्टार्ट इट, चलो। तो गाइस अब मैं आपको मिलाने आ गई हूँ अपनी गाँव से। हाँ, बहुत क्यूट है। मैंने ना गाँव में ना बहुत मस्ती करी, और मैं आपको एक और चीज सुनाऊंगी, सोचो। मुर्गे के साथ चलो यहाँ से मेरे गाँव का वो गाय भर का। ओ ओ, देखिए ये है बिग काऊ जिसे आप दूध पीते हैं, और ये है उसका बेबी। सी देखो, ये बेबी है, डरता भी है। यहाँ पे तीन परिवरिया हैं और उनकी, देखिए गाइस कितना प्यारा है। अब चलते हैं मुर्गी के पास। तो गाइस ये रही मुर्गियाँ और मुर्गी के साथ, कितनी प्यारी है। देखिए कितनी बड़ी बनी है गाइस, देखिए ना कैसे कर रही है जंपिंग। देखो गाइस इसके यहाँ पे रेड रेड फर है, अंडे भी देते हैं, और वहाँ पे उनको खाना मिल रहा है। ओके तो गाइस अब मैं आपको मिलवाऊंगी कद्दूओं से। कद्दू का रंग क्या है मुझे भी नहीं पता, बहुत अच्छे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं मुर्गी की तरह, मुझे लग रहा था पहले कि मुर्गी के अंडे हैं। चलो मैं आपको मिलाती हूँ अपनी छोटी बहन से। तो गाइस ये मेरी छोटी बहन, और ये मैं दादी के साथ फोटो बनाओ इसकी वीडियो बाबू लोग क्या बोल रहे हैं। और ये है सानवी, इसका नाम सानवी है, मेरी छोटी बहन है। सानवी देखो, सानवी देखो, देखो दीदी को देखो, कैमरा देखो दीदी को देखो, दीदी को देखो, हाँ दीदी है पर देखो उधर को। तो और यहाँ पे सब लोग नींबू बना रहे हैं, खाओ नींबू। ये भी मेरी दादी है, ये मेरी बुआ है। देखिए नींबू बना रहे हैं यहाँ पे, नींबू का काम चल रहा है। चलो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन पार्ट अपना घर। चलो तो गाइस यहाँ से होती है एंट्री, मैंने आपके लिए गेट भी खोल रखा है, आ जाइए। देखो यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, अब तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा। प्यारे प्यारे दुकान बन रखे हैं, और मैं आपको एक चीज इतनी अच्छी दिखाऊंगी ना, आप सोच नहीं सकते। मंदिर कितना अच्छा है ना यहाँ का। चलो पहले मैं शूज उतार देती हूँ। चलो चलो, यहाँ पे दो दो हैं जी, और ये तो यहाँ पे चलते हैं। ये रे मेरे भैया, और ये नहीं है जिनका जनेऊ, मैं आपको जनेऊ वाले भैया से मिलाऊंगी। चलो और यहाँ पे देख सकते हैं नज़ारा। तो चलो ये देखिए यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ से देखिए सब देख रहे हैं विंडो बनाने की तैयारियाँ। अब चलो मैं आपको दूसरे रूम में ले जाती हूँ। तो गाइस इस रूम को मैं आपको बाद में बताऊंगी, मेरी बुआ की क्लास चल रही है, जो मैं कहती हूँ वो जिनका जन है वो है। अब चलते हैं किचन की ओर। तो गाइस ये मैंने पहले से घर दे रखा देखा था, तो यहाँ पे टू टू किचन था। ये एक है जहाँ पे पहाड़ी टाइप किचन है, क्योंकि हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ी किचन तो हो गई। तो गाइस मुझे आपको ये बताना था कि मैं पहाड़ी हूँ, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल पहाड़ी जैसा लुक सा आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट किचन। तो गाइस
आपको अगर यकीन नहीं हो रहा कि हम पहाड़ी हैं तो यहाँ पे पहाड़ी जुगाड़ भी है हमारे पास, लाइट नहीं जल रही थी तो टॉर्च देखो, टॉर्च दिखाती हूँ मैं, ये टॉर्च है, पहाड़ी है तो पहाड़ी है, और यहाँ पे एक गैस है, और यहाँ आ गई है मेरी चेतना दीदी। हेलो, और क्या कर रहे हो आप? केक अच्छा गैस हम खाना बना रहे नहीं, ये पहाड़ी होती है, मड़ी मड़ी लानू। तुम के करंचा है आप पे? करंचा? मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए गैस है, और यहाँ पे माचिस है। गैस तो दिल्ली में भी होती है, उनको चूल्हा दिखाओ। तो भाई जैसे चिकनी दीदी ने बोला कि वो दिल्ली में भी गैस आती है, तो चूल्हा दिखाओ, तो मैं चूल्हा दिखाती हूँ। ये अच्छे से दिखाओ ना, देखिए ये है चूल्हा, देसी चूल्हा, जहाँ पे दाल है, मतलब दाल सी, यहाँ कैसे का मैं आपको सारा अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए तो गाइस चलो मैं टॉर्च पकड़ पकड़ा है, यहाँ पे आप सामान देख लीजिए क्या क्या है, एंड चलते हैं नेक्स्ट। जल्दी देखिएगा स्केटी जो भी नाम है, एंड ये रहा, अब चलते हैं नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम तो दिखा दिया, नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट रूम में चलो। तो बस यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तो बहुत सारा सामान है, टू रेड बैग है, एक पर्पल बैग है, गिनती नहीं कर सकती, इतना सारा सामान है, क्या करूँ मैं, कटा बना दिया। चलो देखिए, और ऊपर जो कुछ बैग्स रख रखे हैं, अगर आप कुछ, इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती तो